पत्ता गोभी से होगा कोरोना वायरस? क्या लहसुन खाने से दूर होगा कोरोना वायरस? क्या निमोनिया की वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाने में मदद करती है? क्या गाय का गोबर गोमूत्र सेवन से कोरोना वायरस का इलाज संभव है? क्या आपके पालतू जानवरों से फैलता है कोरोना वायरस? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और उनके पीछे की हकीकत। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पत्ता गोभी खाने से होगा कोरोना। दोस्तों, एक मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि पत्ता गोभी खाने से आप कोरोना के शिकार हो सकते हो। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह बिल्कुल फेक न्यूज़ है। WHO ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं डाल रखा है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की। लहसुन खाने से दूर होगा कोरोना वायरस। दोस्तों, इन दिनों व्हाट्सएप पर एक कई मैसेज चल रहे हैं, जिनमें से दावा किया जा रहा है कि लहसुन का सेवन करने से कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से भरपूर लहसुन एक हेल्थी फूड है, लेकिन इस प्रकार का कोई संकेत या सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि लहसुन से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो फैक्ट है ये बिल्कुल हम इसे शामिल करते हैं फेक न्यूज़ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, निमोनिया की वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाने में मदद करती है। दोस्तों, इसकी हकीकत की बात करें तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि WHO ने भी बता दिया है कि निमोनिया के लिए दी जाने वाली जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो इस बेहद नए और ख़तरनाक कोरोना वायरस से खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। ये वायरस इतना नया है कि इसके लिए एक अलग और एक नई वैक्सीन की ज़रूरत है। फिलहाल अनुसंधानकर्ता भी कोरोना वायरस के लिए नई वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्ट आता है वो है कि गाय का गोबर और गोमूत्र के सेवन से होगा कोरोना वायरस का इलाज। दोस्तों, अगर इसकी हकीकत की बात करें तो कोरोना वायरस के सामने आने के बाद हर कोई उसका अपने तरीके से इलाज करने का दावा कर रहा है, और इसी क्रम में कुछ लोगों का दावा यह भी है कि गाय का गोबर और गोमूत्र सेवन करने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और उसका इलाज हो सकता है। कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूरी चढ़ाया कि खीर पूरी खाइए और शांत रहिए उस एनर्जी को, जिस एनर्जी जो जीव हत्या के कारण पैदा हो, जहाँ कोरोना नहीं है वहीं पे कोरोना पैदा हो। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बता दें कि आप इन बातों पर यकीन नहीं करें, हम आपको बता रहे हैं कि यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस के इलाज की दवा अब तक बन ही नहीं पाई, और अगर ऐसा होता तो इसकी दवा इंडिया में सबसे पहले बनती। अपना नेक्स्ट फैक्ट आता है कि पालतू जानवरों से फैल सकता है कोरोना वायरस। दोस्तों, अगर इस फैक्ट की अगर हकीकत की बात करें तो यह बात अब तक किसी रिसर्च स्टडी में साबित नहीं पाई है, और ना ही किसी इस बात का कोई पुख्ता सबूत है जो ये बताए कि पालतू जानवर कैसे कुत्ता बिल्ली इस खतरनाक कोरोना वायरस संक्रमित हो सकता है। अब तक इन पेट्स से इंसानों में कोरोना फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि पेट्स को छूने के बाद बेहद जरूरी है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लें, साबुन से धो लें, ताकि कोई भी किसी तरह का बैक्टीरिया फैलने से रोका जा सके। अपना अगला फैक्ट है कि एंटीबायोटिक से हो सकता है कोरोना वायरस का इलाज। दोस्तों, WHO की माने तो एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं, और वो सिर्फ बैक्टीरिया से फैलने वाले इंजेक्शन के खिलाफ ही काम करते हैं। लिहाजा एक नए और एक बेहद नए वायरस से लड़ने में एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं आएंगी। सो ऐसी मूर्खता नहीं करें, और अगर आपको लगता है कि आप इससे संक्रमित हैं तो जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाएं। इसी बीच अगली अफवाह ये है कि चाइनीज फूड खाने से हो सकता है कोरोना वायरस। दोस्तों, ये भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, भ्रम है और एक मिथ है, जिसके मुताबिक लोगों को चाइनीज फूड और रेस्तरा में जाने से पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैल सकता है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइनीज फूड को कोरोना वायरस फैलाने का रिस्क फैक्टर नहीं माना है, लिहाजा चाइनीज फूड नूडल्स खाने से आपको कोरोना नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ अफवाहें, और अब हम उन अफवाहों की तरफ चलते हैं जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही है। इसमें पहली अफवाह है कि पत्ता गोभी पर अधिक समय तक टिका रहता है कोरोना वायरस, और अगर पत्ता गोभी खाओगे तो आप भी कोरोना के शिकार हो सकते हो। दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, इसकी जांच करने पर ये गलत पाया गया। दूसरी अफवाह कि गर्मी से यह वायरस ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अलग अलग तरीके से अलग अलग मैसेज के माध्यम से अफवाह फैलाई जा रही है कि गर्मी के अंदर ये वायरस ख़त्म हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, तीसरी जो अफवाह है वो ये कि यह वायरस हवा में फैलता है। दोस्तों, ये वायरस हवा में नहीं फैलता है, ये वायरस है वो छूने से फैलता है। सो ये एक अफवाह है कि ये वायरस हवा के द्वारा फैलता है, और हवा के द्वारा सभी को संक्रमित किया जा रहा है। अफवाह है भगवान की पूजा करने से दूर हो कोरोना वायरस। तो दोस्तों, बहुत से लोगों में ये अफवाह फैला रखी है कि कोरोना वायरस है वो भगवान की पूजा करने से दूर होगा, जबकि ये एक सिर्फ अफवाह है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति बच नहीं सकता। दोस्तों, ये एक अफवाह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति बच नहीं सकता है। ऐसे बहुत से केस है जिनमें लोगों ने वापस रिकवर भी हुए हैं और वो सही भी हुए हैं। सिक्स्थ अफवाह है कि फ़ोन पर भी हो सकता है कोरोना वायरस। दोस्तों, ये सच है, क्योंकि फ़ोन है, फ़ोन के माध्यम से कोरोना वायरस फैल सकता है। फ़ोन को अपन दिन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो
हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ़ोन पर भी कोरोना वायरस के कुछ सिम्टम्स हो और वो आपके फ़ोन के माध्यम से फैल जाए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस फैल रहे हैं जहां पर लोग कोरोना को भगवान समझ के उसकी पूजा कर रहे हैं और उसे जा कोरोना जा के नारे लगा रहे हैं, जबकि कोरोना कोई भगवान नहीं है, ना कोई ऐसा शैतान है। ये एक वायरस है जो एक दूसरे को छूने से फैलता है। लोग उसकी पूजा कर रहे हैं और उसको जा कोरोना जा ऐसे नारे लगा रहे हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक गलत तरीका है इसके साथ डील करने का। सो अगली अफवाह है कि इंडियंस को नहीं होगा कोरोना से खतरा, जिसका कारण बताया गया है कि इंडियंस का इम्यून सिस्टम मजबूत होने की वजह से उन पर कोरोना वायरस का कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि दोस्तों, ये बिल्कुल अफवाह है, आप ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करें और अपने आसपास अपने घर में जागरूकता बनाए रखें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं और बेवजह डरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, अगली अफवाह है कि शराब पीने से नहीं होगा कोरोना। दोस्तों, एक मैसेज व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से फैल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि शराब पीने से कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इसके फैक्ट की जांच की जाए तो पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसमें सच कुछ इस प्रकार है कि अगर आप अल्कोहल युक्त किसी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं तो आपके हाथों में जो जर्म्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो उनको ख़त्म किया जा सकता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि शराब पीने से जो कोरोना वायरस है उसको ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, तो आप प्लीज़ ऐसी अफवाहों से दूर रहें और अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो उसे आप आगे शेयर ना करें और डिलीट कर दें। तो इस प्रकार की बहुत सारी अफवाहें हैं जो हर दिन फैल रही है और जिसने बहुत से लोगों को परेशान कर रखा है। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन अफवाहों को फैलने से रोकें, किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप समझदार हैं तो इन अफवाहों को समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इतना नहीं पता है, वो इन्हें देख के सुन के परेशान रहते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी अफवाहों को फैलने से रोकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।